ट्यूशन तो बचन दे लई बच्चियां दे वल्लों अजिहा ड्रामा कीता गया जिस दे नाल मापे ता मापे पुलिस नूं भी भाजड़ा पै गईआं। दरअसल इन्हां ने खुद नूं अगवा करन दा ड्रामा रचिया, अफवाह उड़ा दित्ती, जिस तों बाद पुलिस सड़कां ते उतर आई, थां थां नाके लग पए। और जदों नाल दे स्कूली बच्चियां नूं पुछया गया तां उन्हां ने इस पूरे मामले दा पर्दाफाश कर दिता। मामला फरीदाबाद तों सामने आया। गल अजिहे तरीके नाल फैलाई गई कि सारी पुलिस सड़कां ते आ गई। चार बच्चियां दे अगवा होण दी खबर ने हड़कंप मचा दिता। फिर जदों दो बच्चियां दे नाल गलबात कीती गई तां सारा प्लान बच्चियां दा फेल हो गया। पुलिस ने बच्चियां नूं लभ के मापियां दे हवाले कीता। बच्चियां ने अपने बैग टाउन पार्क दे विच लुको दिते सी। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਸੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀ, ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਪਾਰਕ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਦੇਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ? ਇੱਕ 14 ਸਾਲ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਹਿਤ ਹੈ। ਕਰਨ ਹੈ, ਰੋਹਿਤ ਹੈ। ਇਨ ਬੱਚੋ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਥੀ, कैसे इनकी माँ प्रवृत्ति एक तरह से कैसे हो गई ये चीज़? अब देखो जी, आपके सामने ये जैसा झूठ बोला इन्होंने, बच्चे ने झूठ बोला ही है। हमारे भी पानी पानी हो गया था, हमारा भी। अब हम जब वहाँ गए उनकी बताई, कुछ कुछ और बता रहा है उनको, कुछ और बता रहा है। जब पुलिस वाले ने, बच्चे क्या बता रहे थे? बच्चे बता रहे थे कि क्या नाम है, हम वो इको गार्ड आए, दो बंदे ने धक्का दिया, हम गिर के ले गए। अच्छा। और हम बत्ती पे गाड़ी रुकी, गाड़ी रुकने के बाद हम धक्का मारा, धक्का मारने के बाद हम दाग गए। पूरी सच्चाई क्या है? पूरी सच्चाई है, सब झूठ है जी। सच्चाई है कि हमारे बच्चे मिल गए, टाउन पार्क में आए थे बच्चे। अच्छा। स्कूल से छूटे सीधे यहीं आ गए। तो टाउन पार्क को आपको कैसे मिले थे? टाउन पार्क में बच्चे आपको कैसे पता? टाउन पार्क है हमारे जो भाई, हम ढूंढ रहे थे, हम सब्जी के, हम पांच भाई पांचों ढूंढ रहे थे। अब टाउन पार्क में छोटा वाला यहाँ से निकल जा रहा था, उसको मिल गए। अच्छा। उसको मिल गए, वहाँ मिले पीछे, और ये हमको, हम घर ले गए इनको, घर ले गए। हाँ, घर वाले बताया। पुलिस को धन्यवाद देते हैं? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस वाले धन्यवाद जी। चलो बच्चों को आगे डांटे ना बस, ठीक है। क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश जी कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 75 गांव बडोली में रहते हो। बता रहे हैं आपके बच्चों को किडनैपिंग, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई हैं? हाँ जी, किडनैप हो गए थे। कैसे हुआ था? ये स्कूल से आ रहे थे, सजेबा जूस वाले कहेंगे गली है, वहीं से ही ये किडनैप हुए। गाड़ी वाले ने इको, ये पता ना कौन सी गाड़ी, ये तो हमें नहीं पता, अभी पता नहीं चली। तो इसमें से ही निकाल, गेट खोला इनने, तो ये बच्चे हमें खींचे, तो खींच के ना इसमें बच्चे ने मुंह पे पट्टी बांध के इनमें रैप्टे रैप्टे बजाए हैं। तो ये बाटा पे इनने, जैसे गाड़ी मंदी हुई है ना, तो मंदी होते ही इनने खिड़की मतलब खोल लिया, धक्का वक्का मारे इन्हें, एक कूद के भाग आ गए। ये सेक्टर 12 में गए हैं, ये सेक्टर 12 टोन पार्क के। भाई से बात करी मैं, भाई ऐसे बात हो गई है, तो आप बच्चे वहाँ तक गायब हो गए, तुम ढूंढते आओ वहाँ से, कभी घर में कुछ ना गए हो। तो भाई, छोटा भाई मेरा ढूंढता रहा, इनने 12 सेक्टर में भग रहे थे ये, तो घर में भग रहे, होपलेस हो रहे। तो ये भाई दिख गए, ये भाई दिखते ही जब ये फिर मुझ पर फोन आया, भाई ऐसे बातें यहाँ पर है। जब बच्चे ने बताया, भाई पापा ऐसे बात हो गई हमारी गैल कि हम किडनैप कर लिए थे, और मेरे रैप्टे रैप्टे बजाए हैं, और दो बच्चे और हैं उसमें गाड़ी में। कितनी उम्र है आपके बच्चों के और कहाँ पढ़ते हैं? एक 10 साल का, एक है 14 साल का। कहाँ पढ़ते हैं? ये केएल मेहता पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। कोई स्कूल से जानकारी मिली कि बच्चे? हाँ, स्कूल से आए, मैंने देखा, मैं छोड़ने जाता हूँ, छोड़ लेकर आता हूँ, तो वह दिन मैं नहीं गया, आज मैं थोड़े लेट हो गया। पुलिस वालों से भी आप लोगों ने कुछ जानकारी ली हो? क्या मिला?
वहाँ से कुछ नहीं मिला। पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये तो बंक मार रखे स्कूल से। हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं, मतलब बच्चे। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या हुआ है ये देखो? अब आप देखो, किराने के बच्चों को वहाँ से किडनैप करते हुए ऐसा कुछ देखा कुछ नहीं? वहाँ पर तो कुछ नहीं देखा, एक गाड़ी आ रही है इको, उसमें वो कैमरा में आ रही है। खैर अभी कुछ जानकारी नहीं मिल रही अभी। कोई ऐसा कोई जानकार है आपका, कोई जिसके पास गाड़ी हो इको हो, ऐसा नहीं? ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई जू नहीं हमारे बच्चे, हमें कहीं जाते ही नहीं है। स्कूल तो स्कूल, तो घर घर तो स्कूल। बच्चे कहाँ मिले? बच्चे मिले 12 सेक्टर, सेक्टर 12। हाँ जी। क्या कर रहे थे? ये जा रहे थे घर में, एक जा रहे थे भागे भागे, बैग भी गाड़ी में पड़े थे इनके। अच्छा। हाँ, इन्हें अपनी जान बचा के मतलब भागे हैं बच्चे। बच्चे अभी भीतर ही है, चौकी है इसमें, कोतवाली में, थाने में है। हाँ, पुलिस कुछ कह रही है? अभी अभी कुछ जवाब नहीं है। मेरा नाम उमेश भाटिया है, एक नंबर एफ ब्लॉक में रहता हूँ मैं। जो जो बच्चे जो किडनैप हुए हैं, जो बच्चे किडनैप हुए हैं, इनके पिताजी की दुकान मेरे घर में है। ये एक नंबर जैन स्कूल में पढ़ते हैं, केरल मेहता में, गीता मंदिर रोड पे। ये स्कूल से 2 बजे छुट्टी हुई इनकी, 2:15-2:30 तक घर आए थे हैं। जब ये 2:30 तक घर नहीं आए हैं तो इनके पिताजी ने घर में फ़ोन किया कि बच्चे नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि ट्यूशन में ही पढ़ते हैं, ट्यूशन में चेक करो। ये स्कूल गए, स्कूल से मैडम ने बोला कि बच्चे स्कूल से चले गए हैं, ट्यूशन गए, ट्यूशन बच्चे पहुँचे नहीं हैं। तो इसके बारे जो ढूंढ फिर में लगे हैं, तो इनका गांव है बड़ोली में, इनके वहाँ से जो चाचा वगैरह वहाँ से ढूंढते हुए निकले हैं, तो इन्होंने क्या किया, मौके पे वहाँ से रस्ते में टाउन पार्क पड़ता है, वहाँ से ढूंढते हुए आए, तो बच्चे टाउन पार्क में बैठे हुए मिले इनको। तो बच्चे बता रहे हैं कि इनको एक नंबर मार्केट से सजेवा जिसकी मोड़ से इनको मुँह बांध के इनको गाड़ी में उठा के ले गए इनको। जब बाटा रेड लाइट पर रुके हैं, वहाँ से बच्चों ने छलांग मार के सेक्टर 12 को भागे हैं ये, और ये वहाँ जाके पार्क में बैठे हैं ये, और इनका बैग उसी बच्चे उसी गाड़ी में है। और बच्चे बता रहे हैं कि उसी मौके पर उस गाड़ी में 2 बच्चे और बेहोश पड़े थे पहले से, और वहाँ से ये भाग के, और जब इनका चाचा उनको ढूंढा तो उनको खबर मिली कि यहाँ पे, खबर दी कि ये बच्चे यहाँ पे हैं, तो इनको वहाँ सेक्टर 12 से हम यहाँ लेके आए हैं यहाँ पे। और मौके पे आके हमने 112 पे कंप्लेंट करी है, और वहाँ मौके पे सारे सभी पुलिस वाले आए हैं, वहाँ से बच्चों को लेके ये एक नंबर कोतवाली में ले आए हैं। कितनी उम्र है बच्चों की? बच्चों की 8 साल और 10 साल, 8 साल और 12 साल उम्र है 2 बच्चों की। कुछ पता चल पाया है कि कौन थे वो लोग, इनको गाड़ी क्या थी? अभी कुछ नहीं पता चल पाया, ये पता लगा है कैमरे से जो हमने निकाली है, अपने तरफ से जो निकाली है, फोटोज निकाली है, इको गाड़ी मिली है वाइट रंग की, जो बच्चे बताए थे कि वाइट रंग की गाड़ी है, इको गाड़ी वहीं से आई है, और मौके पे इनको खींच के इनको ले गई है। सीसीटीवी जो बता रहे हैं आप, सीसीटीवी में ऐसा कुछ दिख रहा है? सीसीटीवी में गाड़ी आते हुए दिखी है अभी, और कैमरे हम चेक नहीं कर पाए, क्योंकि हम पुलिस वाले बच्चे दिखे हैं वहाँ से पैदल आते हुए, और पीछे से गाड़ी आई है और ये गाड़ी इनको लेके चली गई है। गाड़ी का नंबर वो अभी प्रॉपर नहीं शो पाए, क्योंकि हम ऊपर कैमरा चेक नहीं कर पाए, या तो पुलिस वाले चेक करेंगे या हमें को टाइम दिया हम जाके चेक करें। अब इन्होंने हमको यहाँ कोतवाली बुला लिया, बच्चों को अंदर बैठा लिया, वहाँ मौके पुलिस वाले उनको कह रहे हैं कि बच्चा बंक मारता है, बच्चा स्कूल ही नहीं गया। जब बच्चा स्कूल का प्रॉपर अटेंडेंस है, स्कूल की टीचरें वहीं पे आई हैं मौजूद मौके पे, तो बच्चे ने बंक कैसे मारी है? बच्चों के माता पिता क्या करते हैं? बच्चे के पिताजी की प्रिंटिंग की दुकान है मेरे घर में, और ये बड़ोली गाँव में रहते हैं, इनके माता जी घर पर बड़ोली गाँव में होती हैं। बताए इस चीज़ के बारे में, और उनको साथ लेके भी टाउन पार्क आए थे, और जो भी जो बैग थे वो हमने रिकवर करके बच्चों को दे दिए हैं, और ये काउंसलिंग भी कर दी है घर वालों की भी उनकी, और बच्चों को उनके हैंड ओवर कर रहे हैं। पूरी ये किडनैपिंग की स्टोरी थी, ये सब बच्चों की बनाई हुई थी? ये बच्चों के खुद के माइंड की माइंड से अप्लाई कर रखा था, कि आजकल आप पता है सोशल मीडिया पर सब कुछ चलता रहता है, लोग रील्स देखते रहते हैं, तो ये बच्चों ने वही किया है कि मतलब वही अप्लाई कर दिया। और ये लड़का इसकी साल उम्र जो बड़ा है 14 साल का है, इन्होंने ये सारी ट्रिक अपने चाचा को बताई कि ऐसे ऐसे ये फेक हमने जो रचा है सारा फेक था, और हमने ऐसे ही बता दिया कि हमें वैन में डाल दिया, झूठा है सारा। सर ये चीज़ें थी सर, इस तरीके की मानसिकता बच्चों में आ जाती है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों में? मैसेज यही है कि बच्चों को ना ऐसी चीज़ उसे अवॉइड करो, जैसे अपना सावधान इंडिया है उसमें मतलब अपराध करने के लिए जो नई नई चीज़ें दिखाई जाती हैं, या सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है, आपके बच्चे फेसबुक देखते हैं तो वहीं से ये चीज़ें सीखते हैं, तो बच्चों को मोबाइल से सोशल मीडिया से थोड़ा इग्नोर करो, अच्छी चीज़ें दिखाओ, और उनकी काउंसलिंग भी टाइम टू टाइम कराते रहो, बच्चों को मिली चीज़ें। धन्यवाद।